मित्रों, आज की इस प्रस्तुति में हम भोगी प्रवृत्ति के प्रेतों के बारे में जानेंगे और यह प्रेत ज्यादातर स्त्रियों को ही क्यों पकड़ते हैं, यह प्रेत आपके शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं, यह क्या क्या करते हैं और इनका लक्ष्य क्या होता है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, धर्मा वचन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। मित्रों, गरुण पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार गरुण जी भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे देवेश, कई बार प्रेत बाधा जन व्यक्ति के शरीर में आकर अनावश्यक प्रक्रिया करता है, नाचता है, कूदता है और भोजन भी अधिक करता है। ऐसे व्यक्ति बिना रुके अपने सिर को जोर जोर से हिलाते हैं और अधिकतर यह स्त्रियों के साथ ही क्यों होता है, यह प्रेत क्या खाते हैं और शरीर में आने का इनका लक्ष्य क्या होता है, कृपया आप मेरे इन संस्थाओं को नष्ट करें। हे पक्षी श्रेष्ठ, सर्वप्रथम प्रेत बाधा के प्रारंभिक लक्षण मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। प्रेत आत्माएं अधिकतर मनुष्य की पीठ के रास्ते से प्रवेश करती है। जब यह प्रेत आत्मा शरीर में रहकर पीठ से मस्तिष्क की ओर जाती है, तो यह प्रेत आत्मा आपके मस्तिष्क को वश में करके अपने अनुसार चलाती है। जब किसी मनुष्य में कोई प्रेत बाधा उत्पन्न होती है, तब उसके शरीर में एक अलग से कंपन का अनुभव उसे होता है। कंधे भारी हो जाते हैं, गर्दन में जकड़न सी महसूस होती है और जब वह व्यक्ति किसी मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर जाता है, तो वह प्रेत आत्मा भय के कारण तिलमिलाने लगती है और अपने सिर को जोर जोर से घुमाने लग जाती है। यह लक्षण महिलाओं में इसलिए अधिकतर पाए जाते हैं क्योंकि स्त्रियों का मनोबल पुरुषों की अपेक्षा कम होती है और यही कारण है कि स्त्रियों को प्रेत सरलता से वश में कर लेते हैं, जिसमें व्यक्ति को यह प्रेत आत्माएं पकड़ लेती हैं। उसे शारीरिक कमजोरी का सामना करना पड़ता है, वह शरीर से बहुत कमजोर व निर्बल अनुभव करने लगता है। यह भोगी प्रवृत्ति के प्रेत आपके किस तंत्र यानी मस्तिष्क को अपने वश में करके अपने द्वारा नियंत्रण करते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। यह आपके शरीर में आकर मांस, मदिरा या मिठाई आदि का स्वाद लेते हैं। शरीर में प्रवेश करने के बाद उनका केवल यही उद्देश्य होता है। कुछ ऐसे गंदे आचरण वाले प्रेत भी होते हैं जो केवल मनुष्य के शरीर का उपभोग करने के लिए उनके शरीर में प्रवेश करते हैं और यह अधिकतर महिलाओं के साथ ही होता है। हे प्रभु, शरीर को प्रेत आत्माएं कितने समय में अपने नियंत्रण में कर सकती है, कृपया आप मुझे यह बताएं। हे पक्षीराज, कोई भी प्रेतात्मा अचानक से किसी व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकती। वह प्रेतात्मा धीरे धीरे उस शरीर पर अपना कब्जा करती है। वह धीरे धीरे पीठ के निचले भाग से आरंभ होकर मस्तिष्क की ओर बढ़ती है। प्रारंभ में तो पीठ पर कुछ रेंगने जैसा महसूस होता है, जैसे कोई कीड़ा पीठ पर चल रहा हो। वह पहले तो आपके कंधों को भारी करती है, फिर आपकी गर्दन में जकड़न सी महसूस होने लगती है। पीठ के निचले भाग से मस्तिष्क तक पहुंचने में बहुत सारा समय लग जाता है। कई आत्माएं मनुष्य के केवल जीभा पर ही नियंत्रण करती है ताकि वह अपनी इच्छाओं को बता सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।